अगर दोस्तों आप एक सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र चालक हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंश्योरेंस एजेंट कैसे बन सकते हैं और कस्टमर का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इंश्योरेंस की बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है, जैसे पॉलिसी बाजार है, इंश्योरेंस देखो है, और इसके अलावा भी बहुत सारी ना जाने कितनी सारी वेबसाइट है। लेकिन दोस्तों हमको उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है जो कस्टमर को सबसे अच्छी सर्विस दे सके और उसमें हमारा कमीशन भी अच्छे से अच्छा हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सवाल हो सकता है कि हमारे पास तो कोई भी सीएससी सेंटर नहीं है, हम कोई भी दुकान नहीं चलाते, तो हम कस्टमर को इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप स्टूडेंट है, जॉब करते हैं या हाउसवाइफ है और आप पार्ट टाइम में इंश्योरेंस एजेंट बनकर ये काम करना चाहते हैं तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी दुकान की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर इस काम को कर सकते हैं और जो कमीशन आपको मिलेगा वो सीधा आपके खाते में आ जाएगा। अब इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए और आप कम से कम हाई स्कूल पढ़े लिखे होने चाहिए। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। यहाँ पर हाई स्कूल मैंडेटरी है, अगर आपने हाई स्कूल पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कमीशन की बात करें, कमीशन कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर जितना भी आप इंश्योरेंस करते हैं लगभग 15-50% का यहाँ पर आपको कमीशन मिल जाता है। अगर आप 800 रुपये का केवल इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 150-200 रुपये का कमीशन यहाँ पर मिल जाएगा, और 4000 रुपये का यहाँ पर अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, क्योंकि कार का लगभग 4000 का होता है, तो यहाँ पर लगभग आपको 800 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। ये मैं जो कमीशन बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं ये आईडी इस्तेमाल करता हूँ। जब भी आप किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करेंगे या हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे या टर्म इंश्योरेंस करेंगे तो उससे पहले आपका जो भी कमीशन बनने वाला होगा वो आपको वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा, आपके पोर्टल पर यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों मेन सवाल हमारा ये आ जाता है कि हमको ये आईडी किस तरीके से लेनी है, इस पे काम कैसे करना है, क्योंकि हम पर तो काम करना नहीं आता। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, इंश्योरेंस करने के बाद हमारा पैसा हमारे अकाउंट में कैसे आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो सभी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलने वाली है। इसके लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है हमारी POSinsurancedekho.com। यहाँ से आईडी बनाकर आप किसी का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस की यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दिखाई गई है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में आप कार का, बाइक का, ट्रक का, बस का, यानी जितने भी गाड़ियाँ होती है सभी का इंश्योरेंस यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे। अब आईडी लेने के लिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले आईडी लेने के लिए क्या करना होता था, यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिखाया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते थे व्हाट्सएप के थ्रू। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद 3-4 दिन में आपकी आईडी फुली तरीके से एक्टिवेट हो जाती थी बिना एक भी रुपया कमीशन दिए। लेकिन अब ऑनलाइन प्रोसेस पूरा तरीके से कर दिया गया है। अब आपको जाना है लॉगिन वाले साइनअप वाले सेक्शन में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर आईडी क्रिएट करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर डालेंगे। स्टार्ट अर्निंग नाउ, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट अर्निंग नाउ, यानी आईडी बनाने के तुरंत बाद यहाँ पर आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट अर्निंग नाउ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी हम डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हुआ है क्योंकि हमारी आईडी यहाँ पर पहले बनी हुई है। आप ये जानते हैं जब भी हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं सबसे पहले क्या मांगता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, तो यही सब चीज़ मांगता है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा, आपकी केवाईसी हो जाएगी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। आधार कार्ड में जो नंबर होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा, आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा, बैंक की यहाँ पर फोटोकॉपी आप अपलोड करेंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करेंगे, तो उसके बाद आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन में जाएगा और 2-3 दिन बाद आपकी फुली आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा ऑप्शन कंप्लीट केवाईसी, जो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पहले अपलोड की है, यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ चुका है, नाम आ चुका है, नीचे यहाँ पर ईमेल आईडी मेरी दिखाई गई है, उसके नीचे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पर पैन कार्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आपकी एजुकेशनल डिटेल है, यानी आप हाई स्कूल के रहे हैं तो हाई स्कूल का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर बैंकिंग डिटेल, जिस भी अकाउंट में आपको पैसा लेना है कमीशन का वो बैंक यहाँ पर ऐड करेंगे। जिसके नाम से यहाँ पर आप आईडी बनाते हैं उसी का यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस एड्रेस में आपका प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस यहाँ पर आप फिल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉग आउट वाला सेक्शन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने आईडी को लॉग आउट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा भी देता हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये मेरा आधार कार्ड है, मैं तो व्यू डिटेल पर क्लिक करूँगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड फ्रंट और बैक साइड से है, यहाँ पर पिन कोड है और मेरी स्टेट का नाम है। यानी जो जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है, अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मांगे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो क्लिक होगा ऑनलाइन वाला, तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद यहाँ पर आपकी आईडी फुली तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। और 2 से 3 दिन के अंदर आपने जो नंबर लगाया है उस पर व्हाट्सअप आएगी या कॉल आएगी। कॉल किसकी तरफ से आएगी? जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा इस कंपनी का, वो आपको कॉल करेगा और आपको किस तरीके से काम करना है, क्या से ट्रेनिंग लेनी है, वो सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। आपको कार का इंश्योरेंस कैसे करना है, बाइक का कैसे करना है, फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस कैसे करना है, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कैसे करना है, यानी फुल डिटेल आपको बताई जाएगी। आप कॉल पर कर सकते हैं बात, व्हाट्सअप पर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, इस वेबसाइट की तरफ से मुझको कोई पैसा नहीं मिला है, ना ही मैंने इसका स्पॉन्सर किया है। मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ कस्टमर के इंश्योरेंस करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा एक अच्छी वेबसाइट है, अच्छा कमीशन दे दी है, जिससे सीएससी सेंटर चालक का भला हो सके और जो लोग पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं उनका भला हो सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आप इस काम को करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्जी है मत करना। लेकिन जो लोग यहाँ पर सीरियस है इस काम को लेकर करना चाहते हैं, उनका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आईडी बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है, तो मैं डायरेक्ट आपको आईडी बनाने के लिए इसके डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दे सकता हूँ, उसके लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर देना जो लोग इस तरह का काम करते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।